आप हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लीची का शेक। बहुत ही यमी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये लीची का मौसम आया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा जाए। ये जो लीची है जिससे मैं शेक बनाऊंगी, हमारे बाग का है तो फ्रेश फ्रेश है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आगे भी मैं इससे बना के और भी रेसिपीज डालूंगी लीची को यूज़ करते हुए। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप घर में इसको बच्चों को दिए जब तक के लीची का मौसम है। चलिए मैं बता देती हूँ उसको मैंने कैसे तैयार किया है और आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। लीची शेक के लिए मैंने 20 से 25 लीची लिए हैं। इनको मैं थोड़ा सा छील लूंगी और इनकी जो गुठली होती है वो मैं हटा लूंगी। उसके बाद मैं आपको इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। मैंने लीची को छील लिया है। 20 से 25 लीची मैंने ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी लिया है। 2 कप मैंने दूध लिया है। तो सबसे पहले हम लीची को ग्राइंड कर लेते हैं। जिस जार में हम बनाएंगे उसी में इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ लीची। सबसे पहले इसको और चीनी को ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड हो गया है चीनी के साथ। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। दूध के साथ भी एक बार मिक्स कर लेंगे। खोल कर देख लेते हैं। अच्छे से सारे मिक्स हो गए हैं, चीनी, दूध और लीची। अब इसमें मैं वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ थोड़ी सी। ये मेरी होममेड है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं। अब इसको भी हम दोबारा चला लेते हैं और बहुत यमी लीची शेक तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत गाढ़ी रहेगी। देख लेते हैं, बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है लीची की वजह से। आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा। अब इसको मैं ग्लासेस में निकाल लेती हूँ। लीची शेक तैयार है, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और लीची का मौसम आया हुआ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपके मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शायला दस्तरखान।